कपिल शर्मा पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरों में हैं। हमेशा की तरह इस बार भी कपिल गलत वजहों से ही चर्चा में आए। पिछले दिनों कपिल ने एक के बाद एक ट्वीट किए थे जिसमें वो किसी शख्स को भला बुरा कह रहे थे। खैर कुछ ही देर में कपिल ने सारे ट्वीट डिलीट कर दिए और इसके बाद खबरें आई कि कपिल का अकाउंट हैक हो गया है। खैर कपिल ने कुछ घंटे में ही अगला ट्वीट किया और लिखा कि मैंने जो भी लिखा था अपने दिल से लिखा था, मेरी टीम ने सारे ट्वीट डिलीट किए हैं। इस वाक्य के बाद कपिल का एक ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें वो एक एंटरटेनमेंट पोर्टल के एडिटर के साथ गाली गलौज कर रहे थे। इस ऑडियो के सामने आते ही कपिल सवालों के घेरे में आ गए और हर कोई कहने लगा कि कपिल अपने नए शो की नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि अब कपिल ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ दी है और एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जो लोग मेरे करियर को बर्बाद करना चाहते हैं वो जो चाहे वो झूठ फैला सकते हैं, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। जब तक लोगों को संतुष्टि मिल रही है उन्हें ये सब करने दीजिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको बता दें कि पिछले दिनों कपिल ने खुलासा किया था कि उन्होंने एडिटर के साथ साथ अपनी एक्स मैनेजर और एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोस और उनकी बहन नीति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद कृष्णा अभिषेक भारती और कीकू शारदा समेत कॉमेडी जगत के कई कॉमेडियन कपिल के सपोर्ट में उतर आए। सभी ने लोगों से गुजारिश की कि वो कुछ दिनों के लिए कपिल को अकेला छोड़ दें ताकि वो अपनी जिंदगी की मुश्किल घड़ी से जल्द बाहर निकल पाए। पिछले महीने ही कपिल का नया शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा शुरू हुआ है। इस शो की शुरुआत होते ही कपिल ने कई एपिसोड की शूटिंग रद्द करवा दी और ताजा रिपोर्ट्स की माने तो इस महीने तक इस शो की शूटिंग नहीं होगी।